दोस्तों, अभी 8 है और आज भी बादल है आसमान में और फोरकास्ट में दिखा तो रहा है कि बरसात हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कल भी शाम में थोड़ी बहुत बरसात हुई ही, रात में भी थोड़ा बहुत हुआ, शाम में भी थोड़ा बहुत हुआ। अब देखते हैं आज का क्या होता है, कब होता है। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ अभी सुबह सुबह ही, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकता है, तो मैं तो चला निकलने। और मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। काम वगैरह ख़त्म कर लो, निपटा के आ जाओ फटाफट घर पे, तो बहुत सारे काम तो घर पे भी है। तो मिलते हैं फिर आगे, बाय बाय। आज भी आसमान में सिर्फ बादल बादल और वो काले काले आ रहे हैं। फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है, छम छम। एक गाना था नेपाली गाना, बादल बरसा बिजली। इधर तो वाइट है, उधर देखो पूरा काला काला मौसम हुआ हुआ। इस बरसात में भी चिड़िया उड़ रही। अभी मैं बाहर निकलने वाला था और बारिश स्टार्ट हो गया। सुबह से लगभग तो वैसे बाहर ही हूँ, 7:30 बजे से ही। 10:30 हो चुका है, अभी जस्ट फिर निकलने ही वाला था कि बारिश स्टार्ट हो गया। अब जैसे बारिश छूटेगा तुरंत निकलूँगा। वैसे काम तो ज़्यादा देर का था, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गया तो जाऊँगा करके, तुरंत आऊँगा। बस बारिश रुक जाए। चलो देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। देखो ये भी मौसम का मज़ा उठा रही है, खिड़की से बारिश को देखो, मज़ा उठाओ चाय के साथ पकोड़ा के साथ। 2 घंटा होने को और बारिश अभी भी कंटिन्यू है, और जिस हिसाब से कंटिन्यू है, आधा घंटा से पहले तो और नहीं रुकने वाला, लगभग 2 बजने वाला, 3 बजे के पहले कुछ नहीं होने वाला है। तीन बजे जाके अभी उठ रही है, बादल है और जहाज जा रहा है, और जहाज था बादल रहा तो बादल अभी भी है। मैं चला काम करके आना जरूरी है कल। अब देखते हैं लौट कब रहा मैं, मिलते हैं फिर आगे, बाय बाय। प्यार में अक्सर पुरुष ही बर्बाद हुए, लड़कियों की बस शादी हुई है किसी सरकारी नौकरी वाले से, किसी बिजनेसमैन से, या फिर किसी डॉक्टर इंजीनियर से, और प्यार में बर्बाद हो जाओगे तुम। इसलिए अच्छा है कि प्यार तो मत ही करो, वरना इसके तरफ पागल हो जाओगे। ये मौसम देख लो, अभी शाम के 3:30 हो रहा है और मज़ा आ रहा है पुल के ऊपर बाइक चलाने में, और हम लोग को पता नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहा है, लेकिन कहीं तो जा रहे। मूड सही नहीं है तो चलो कहीं घूमने निकल जाते हैं, हम लड़कों का यही है, लेकिन कहाँ ये हमें भी नहीं पता होता। और आज भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर जा कर रुकेंगे ये हमें भी नहीं पता, तो देखा जाए कहाँ पर हमारा स्टॉप होता है। और ये है बोरिंग रोड, यहाँ पे खेती नहीं होता, ये बोरिंग रोड जाने का वो रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का। यहाँ पे कभी खेती नहीं होता लेकिन हरियाली हमेशा मिलती है। अब वो पटना के लोग बताएंगे कैसे। खैर हम लोग तो अभी हाई कोर्ट के आगे, अब आएगा म्यूज़ियम, ये है बिहार का म्यूज़ियम, बिहार म्यूज़ियम। हम लोग अब बिहार म्यूज़ियम भी आ गए, लेकिन पता नहीं कहाँ रुकेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। काफ़ी बड़ा है हमारा बिहार का म्यूज़ियम, लेकिन ना मैं बिहार का होके पटना का होके आज तक इसमें नहीं गया हूँ, कितने साल हो गए ओपन हुए हुए। अब वो कहते हैं ना कि
घर का मुर्गी दाल बराबर वही हाल है। और अब यह है तारामंडल, जिसको प्लेटेनियम भी बोला जाता है, तो ये तारामंडल न्यू बना है, जरूर एक बार घूमने आए आप लोग। ये जाम गांधी मैदान के पास इतना ज़्यादा, मतलब हमेशा मिलता ही है, और एक बार जाम मिल जाता है तो अनस भरता है। और ये पीछे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पटना का, और ये जाम से तो छुटकारा मिल नहीं रहा है, और बादल आ चुके हैं, अब पता नहीं बारिश वारिश भी ना आ जाए, क्योंकि काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। और ये है पटना का डबल डेकर रोड, एक इस पे चलेगा एक उसके ऊपर चलेगा, गाड़िया, हाँ गाड़िया, और उसके नीचे रोड पे जिस पे हम लोग चल रहे हैं उस पे भी चलेगा, तो अच्छी बात है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनना चाहिए। और ये मंदिर, और ये पुल लगभग एक ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और एक थोड़ी सी दूर जाके और उतरेगा NIT घाट के पास में। और अब हम लोग आ गए हैं पटना के NIT घाट के पास, तो सोच रहे हैं कि चलो NIT घूम ही लिया जाए, बारिश में कैसा है। और ये ऊपर बन रहा है मरीन ड्राइव, आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, या कहाँ तक कंटिन्यू होता है देखिए। तो पिलर बहुत टाइम से डाला हुआ है, 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था इसका काम, और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ना जाने कब ख़त्म होगा। और यहाँ पे ये बुढ़िया का बाल, ये पानी लेवल देख सकते हो, नाव है, पानी लेवल है, मज़ा आ जाता है ऐसे मौसम में ये सब जगह घूम के। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नाव पे, यार जब ये बन जाएगा तो घूमने में इस पे भी मजा आएगा, दोनों साइड पानी, पानी के बीच में आप घूमो। और ये पिलर 2019 का बना हुआ, तीसरा मंथ 2019, और अभी तक ये पिलर कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल से ऊपर होगा, 5.5 साल होने को है, और अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए तो पटना में मेट्रो का खुदाई नहीं, रोड का, आप समझ सकते हो पटना वालों का मन का बात, क्या कहना चाहते हैं, अगर तकलीफ होती है तो खैर देखो कब होता है। और ये है नाव में घूम सकते हैं आप, ये जो नाव नाव लगा हुआ था पीछे, और हम लोग फिर देखो कभी कभी कुछ चीज़ें जरूरत ना हो तो भी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने भी मतलब में ही अपना वेट नपाया था, और मेरा 67.4 kg, वाह, वैसे मुझे तो लग रहा था कि मेरा वेट कम हुआ हुआ है, लेकिन ठीक ही है। अब हम लोग आ गए हैं खाने कुछ रोल, लच्छा पराठा रोल, ये रोल लच्छा पराठा में बना के देते, और हमारा रोल बन के तैयार हो चुका है, अब हम लोग खाएंगे और घर जाएंगे। मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में, बाय।